Hello everyone, I am Neelofer and welcome to BPSC platform. So we as a team of BPSC platform is ready to launch a crash course on history of Bihar. Right? आपको पता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर हम बात करें द बेसिक फाउंडेशन ऑफ ऑल द बिहार सिविल सर्विस एग्ज़ाम इज़ सिमिलर टू डैट ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम, ठीक है। और यहाँ पर एक कंडीशन और हम कह सकते हैं एक एडिशन पॉइंट ये आ जाता है कि बीपीएससी में क्या होता है कि आपको स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपसे पूछी जाती है। तो स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज इट कैन फेच गुड मार्क्स, ठीक है। और अगर आप इसे पढ़कर जा रहे हैं, मतलब अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बीपीएससी या बिहार स्पेशल को आप कैसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें यही डिस्कस करेंगे। और बिहार हैज़ रिमेन्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन ड्यूरिंग एंशियंट मिडीवियल एंड मॉडर्न टाइम्स। तो हम सबको डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, देन मिडीवियल एंड देन एंशियंट, ठीक है। हम देखेंगे कि बिहार इज़ द स्टेट विच गेव अस आवर फर्स्ट प्रेजिडेंट, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करते हैं, और अदर पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ को भी हम देखेंगे। नेक्स्ट इज़ कि हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री रिमेन्स एट द सेंटर ऑफ बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम हिस्ट्री सेक्शन ऑफ द जनरल स्टडीज़ सिलेबस, तो हम इसको भी देखेंगे। इट इंक्लूड्स एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवियल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री इंक्लूडिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। और जो हम क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर के, सो वी रीच ऑन अ कंसेंसस की जो क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी स्ट्रेट इन नेचर एंड हेंस कैन बी सेट ईजी भी कह सकते हैं हम, ठीक है। अगर हमने पढ़ा हो तो वी कैन ईजिली कोरिलेट द थिंग्स, कोरिलेट द इवेंट्स विद द इकोलॉजी ऑफ एंशिएंट टाइम्स और मिडीवियल टाइम्स और मॉडर्न टाइम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 67 बीपीएससी का प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ चल रहा है और इसमें जो है आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, फ्री पीडीएफ मिलेंगी। और ये जितनी भी टेस्ट सीरीज़ हैं ये हमारे जो क्वालिफाइड बीपीएससी ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा इन्हें बनाया गया है। आपको फ्री क्विजेज़, फ्री स्टडी मटेरियल सब मिलेंगे। इसके लिए आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं फ्रॉम प्ले स्टोर। और उसके बाद हम बिहार स्पेशल का भी कोर्स, जैसे कि मैंने बताया कि बिहार ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स चल रही है, बिहार हिस्ट्री जो है वो मैं कवर करूँगी, तो आप ये सारी चीज़ें जाके देख सकते हैं एप्लीकेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मुग़ल रूल इन बिहार एंडेड विद द डेथ ऑफ बहादुर शाह ज़फ़र, द लास्ट मुग़ल रूलर, एंड ड्यूरिंग द मुग़ल रूल पटना emerged as a major trading center. It was famous for cotton, textile industry, indigo and salt. अब हमें पता है कि जब बहादुर शाह ज़फ़र की डेथ हो जाती है तो क्या होता है, मुग़ल रूल एंड हो जाता है और पटना जो है एक मेजर सेंटर, मेजर ट्रेडिंग सेंटर के रूप में एमर्ज होता है। और ये पटना किस लिए फेमस था, फॉर कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंडिगो एंड सॉल्ट के लिए फेमस था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि यूरोपियंस इंडिया में क्यों आते हैं, वाई देयर वॉज अ यूरोपियन क्वेस्ट फॉर, हम कह सकते हैं फॉर न्यू लैंड्स। पहला तो ये था, जैसे हम 3G का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि गॉड, उनको अपने क्रिश्चियनिटी रिलीजन को जो है स्प्रेड करना था। सेकेंडली दे वांट टू अक्यूमुलेट वेल्थ, गोल्ड, गॉड, गोल्ड एंड ग्लोरी, ग्लोरी इज़ एक्सपेंशन ऑफ देयर एम्पायर, ठीक है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था वो वैसे भी बहुत फेमस था कैलिको, सिल्क, जेम्स या प्रीशियस मेटल्स या फिर स्पाइसेस के लिए, ठीक है। तो हम स्पेसिफिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं, बिहार रीजन के बारे में। नेक्स्ट, मैनी यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक पोर्चुगीज़, फ्रेंच, दानिश एंड इंग्लिश वर ल्योर्ड बाय द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पटना एंड दस एंटर्ड बिहार टू इस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन, ठीक है। जैसे हमने देखा कि पोर्चुगीज़ आते हैं, देन फ्रेंच, देन दानिश, उसी तरीके से बिहार में भी वो आते हैं, पटना में अपने आप को इस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज़ पोर्चुगीज़ इन बिहार, ठीक है। Portuguese were the first European to enter in Bihar in 17th century and they established their factory at Hooghly में उन्होंने अपनी factory को establish करा था in Bengal but frequently visited Patna for trade through water channels and road. ठीक है, अब आपको पता है कि बिहार पटना ये सब आपस में बाउंड्री शेयर करते हैं, तो जब वो हुगली में उन्होंने फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करा तो वो बार बार जो है पटना भी आया करते थे फॉर ट्रेड थ्रू वाटर चैनल्स. द मेन कमोडिटीज़ परचेज बाय पोर्चुगीज इन बिहार वर कारपेट्स एंड थिन क्लोथ्स. ठीक है, तो जो पोर्चुगीज़ थे वो क्या ख़रीदा करते थे बिहार से, कारपेट्स ख़रीदा करते थे और कपड़े ख़रीदा करते थे जो थिन क्लॉथ्स होते थे. ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा. नेक्स्ट, दे ब्रॉट स्पाइसेस एंड चाइना क्ले विद देम एंड यूज देम फॉर ट्रेड इन एक्सचेंज ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. ठीक है, तो ये क्या करते थे, यहाँ से जो है चाइना क्ले या जो मिर्च मसाले हो जाते थे वो ले जाते थे और इसको ट्रेड के तौर पे यूज़ करा करते थे इन एक्सचेंज ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. अब देखिए आपको इसमें क्या याद रखना है कि पोर्चुगीज़ थे जो फर्स्ट यूरोपियन थे जो बिहार में एंटर हुए थे 17th सेंचुरी में. उन्होंने अपनी इस्टेब्लिश करी फैक्ट्री हुगली पे और उसी रास्ते जो है वो पटना भी बार बार आया करते थे और वो बिहार से क्या ले जाते थे, वो कारपेट्स ले जाते थे, थिन क्लॉथ्स ले जाते थे. इतना आपको याद रखना है. नेक्स्ट, डच इन बिहार. अब डच इंडिया में आते हैं. ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था कि डच कंपनी जो है उसने अपनी पहली फैक्ट्री कौन से ईयर में इस्टेब्लिश करी थी. अब यह आपको याद रखना है कि बीपीएससी इज़ वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट डेट्स ईयर्स. ठीक है, तो आप इसको याद रखिए कि 1632 में वो अपनी पहली फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करते हैं. नॉर्दर्न पार्ट ऑफ प्रेजेंट पटना कॉलेज. The Dutch were too interested in cotton textile, opium and food grains. ठीक है, तो ये किसके लिए, किस में इंटरेस्ट ले रहे थे, कॉटन टेक्सटाइल में, ओपियम में और फूड ग्रेन्स. इन 1662 मुगल एम्परर औरंगजेब ग्रांटेड ट्रेड राइट्स टू द डच टू ट्रेड इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा. ठीक है, अब मुगल एम्परर औरंगजेब ने क्या किया, ट्रेडिंग राइट्स दे दी डच को कि आओ भाई अब तुम आके जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा में ट्रेड कर सकते हो. तो आपको याद रखना है 1662 में. नेक्स्ट, इन 1665 अ डच ट्रैवलर टैवर्नियर केम टू पटना एंड लेटर ट्रैवल्ड टू छपरा विच वाज मेजर सेंटर ऑफ सॉल्टपेटर रिफाइनरी इन बिहार एट दैट टाइम. ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि डच एक ट्रैवलर थे टैवर्नियर, वो इंडिया में आते हैं, पटना ट्रैवल करते हैं, फिर छपरा जाते हैं और क्यों जाते हैं, क्योंकि सॉल्ट पेटर रिफाइनरी जो है वो बिहार में बहुत ज़्यादा सॉल्ट पेटर के लिए बिहार फेमस था. अब सॉल्ट पेटर देखिए, सॉल्ट पेटर क्या होता है कि सॉल्ट पेटर को हम हिंदी में बोलते हैं शोरा. ये किस लिए यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड फॉर फूड प्रिजर्वेशन और हम इसको कह सकते हैं कि हम इसे कुकिंग में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि जो कॉर्न पॉर्क होता है या बीफ होता है तो उसको बनाने के लिए सॉल्ट पेटर का यूज़ किया जाता है. तो इसे आप याद रखिएगा. देयर वॉज अ डिस्प्यूट अमंग द फ्रेंच, ब्रिटिश एंड डच कंपनीज ओवर ट्रेड राइट्स ऑफ सॉल्ट पेटर. अब सॉल्ट पेटर जो था बहुत डिमांड में था फ्रेंच, ब्रिटिश और डच कंपनीज़ में, क्योंकि ये ऑब्वियसली आप फूड प्रिजर्वेटिव यूज़ कर रहे हैं, नॉन वेज है, तो ये बेसिकली हम देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स और डच और फ्रेंच के बीच में कितना ज़्यादा इसकी डिमांड होगी. तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग आपस में लड़ने लगेंगे कि भैया अब हमें इस पर कंट्रोल करना है, हमें करना है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक डिस्प्यूट, एक डिसकंटेंटमेंट शुरू हो गया था. नेक्स्ट इज़ On 10th July 1781, British commanding officer Major Hardy captured the warehouse of Dutch in Patna. अब क्या हुआ, मेजर हार्डी था ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर, उसने आके जो है वेयर हाउस कवर कर लिया, कहाँ, डच का, पटना में. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो कैप्चर्ड द डच फैक्ट्रीज ऑफ छपरा एंड सिंघिया बट लेटर इन 1784 वेयर हाउस ऑफ पटना वॉज रिटर्न बैक टू द डच. ठीक है, अब क्या हुआ, 1781 में जो है मेजर हार्डी आए, उन्होंने वेयर हाउस को कैप्चर कर लिया, फिर बाद में 1784 में वापस दे दिया. आपको इतना ही याद रखना है. अब फ्रेंच आते हैं. फ्रेंच क्या करते हैं बिहार में, फ्रेंच ऑल्सो इस्टेब्लिश देयर ट्रेड रिलेशन विद बिहार बट डिड नॉट वर्क कॉन्स्टेंटली इन स्ट्रगल विद डच कंपनीज एज बोथ वांटेड सॉल्ट पेटर। अब सॉल्ट पेटर की इतनी डिमांड हो गई थी भैया कि फ्रेंच को लगा कि अब हमें अपना ट्रेड रिलेशन बिहार में इस्टेब्लिश करना है, लेकिन डच को भी लग रहा था, तो डच और फ्रेंच के बीच में लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज स्टैब्लिश इन 1664 बाय फ्रांसो मार्टिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने इस्टेब्लिश करा था 1664 में। यह आपके क्वेश्चन का पार्ट बन सकता है बहुत आसानी से कि 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने इस्टेब्लिश करा था, तो आपको नाम याद रखना है फ्रांसिस मार्टिन। हाउएवर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एमर्ज स्ट्रॉन्गर इन पटना। ये फ्रेंच कर रहे थे, दानिश कंपनी भी आई, पोर्चुगीज़ भी आई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कौन अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग कंपनी बन के निकलती है, वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेल्ड the general of Bihar at that time from Patna and captured all the warehouses of the French in this way that the French control over the trade of Bihar came to an end. ठीक है, अब क्या होता है बैटल ऑफ प्लासी के बाद। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था 1757 में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है एक्सपेल्ड कर दिया जाता है, वो एक्सपेल्ड कर देते हैं जो जनरल होता है बिहार का उस टाइम पे पटना में, और कैप्चर कर लेते हैं वेयर हाउस किसका फ्रेंच का, और फ्रेंच कंट्रोल ओवर द ट्रेड ऑफ बिहार केम टू एन एंड, और जो फ्रेंच का कंट्रोल था बिहार के ऊपर वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। दानिश इन बिहार, दानिश कंपनी आती है बिहार में टू revive to trade in India and Bihar. They built a factory in 1774 at Nepali Kothi in Patna to process saltpeter. Denmark finally sold its remaining settlements of India in 1845. अब जब दानिश कंपनी आती है तो वो क्या करती है अपने ट्रेड को वो रिवाइव करने के लिए आती है। पहले तो वो अपनी फैक्ट्रीज़ बना चुके थे 1616 में टू 1650 में, सेकंड कंपनी वो बनाते हैं 1670 से 1729 में। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिए। और उन्होंने जैसा कि मैं यहाँ पे है कि दानिश कंपनी रिवाइव टू ट्रेड इन इंडिया एंड बिहार। ठीक है, वो इंडिया में और बिहार में अपने ट्रेड को दोबारा लेकर आई। उन्होंने फैक्ट्री बनाई 1774 में एट नेपाली कोठी टू प्रोसेस सॉल्ट पेटर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि डेनमार्क जहाँ से ये कंपनी बिलोंग करती थी उसने ये अपनी सारी सेटलमेंट्स जो हैं बेच दिया। उनको लगा कि भैया अब हम क्या करें, हम क्यों अपने आप को यहाँ पर एक्सपैंड करें, या हम कह सकते हैं अपनी ग्लोरी दिखाएं, अपने एम्पायर को एक्सपैंड करें, हम जो है यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, तो इनका एंड यहीं हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी फिर आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी इन बिहार। द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री इन 1620 एट आलमगंज इन पटना फॉर द ट्रेड ऑफ सॉल्ट पेटर डैट वॉज मच इन डिमांड इन द यूरोपियन मार्केट। अब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, उन्होंने अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करती है 1620 में एट आलमगंज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पर करती है, कौन सी जगह पे करती है, कब करती है, आपको सारा याद रखना है। 1620 में एट आलमगंज इन पटना, और किसका ट्रेड करती है वो सॉल्ट पेटर का। हाउएवर इट वाज क्लोज इन 1621 और 1621 एक साल बाद इसे बंद कर दिया जाता है। इन 1651 द कंपनी एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री इन गुलजारबाग। प्रेजेंटली कंपनी फैक्ट्री हैज़ बीन टर्न्ड इनटू गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, अगर हम आज की कंटेम्प्रेरी बात करें तो इस फैक्ट्री को क्या करते हैं एक प्रिंटिंग प्रेस में टर्न कर दिया गया, बना दिया गया है। पहले ये क्या थी एक कंपनी की फैक्ट्री थी गुलजारबाग में। सॉल्ट पेटर वॉज प्रोड्यूस इन बिहार मेनली इन द नेबरहुड ऑफ पटना इन अबंडेंस। ठीक है, सॉल्ट पेटर जो प्रोड्यूस हो रहा था वो पटना में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा था, तो आप इसे याद रखिए क्योंकि सॉल्ट पेटर वॉज इन की जो डिमांड थी डैट वॉज ह्यूज। Next, the Britishers emerged stronger than any European power in Bihar and they started controlling the regions of Bihar that were popular for production of opium. Patna was important वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रेडिंग ऑफ कैलिको क्लॉथ. ठीक है, अब ब्रिटिशर्स जो थे वो तो इंडिया में ही अपने आप में इतने स्ट्रॉन्गर एमर्ज हुए कि उन्होंने हमारे ऊपर इतने सालों तक रूल करा. इन द सेम वे बिहार में भी उन्होंने काफ़ी रीजन्स को कंट्रोल कर लिया. जो ओपियम की प्रोडक्शन हो रही थी बिहार में, ठीक है, उस पर इन्होंने अपना कब्ज़ा कर लिया. पटना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था इन ट्रेडिंग ऑफ कैलिको क्लोथ. अब कैलिको क्लोथ क्या है? ये कॉटन फैब्रिक होता है, ठीक है, जिसपे सिंपल जो है डिज़ाइन बने होते हैं. और 17 और 18 सेंचुरी में कैलिकस जो क्लोथ्स थे वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट कमोडिटी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन गया था जिसको ट्रेड करा जा रहा था बिटवीन इंडिया एंड यूरोप. ठीक है, तो आप इसे याद रखिए कि पटना क्यों एक इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गया था, ये आपको याद रखना है. सेकेंडली, जॉब चार्नोक वॉज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ फैक्ट्री सिचुएटेड इन पटना. जॉब चार्नोक को क्या बना दिया गया था? हेड बना दिया गया था पटना फैक्ट्री का. औरंगजेब अपॉइंटेड सैफ खान एज द गवर्नर ऑफ बिहार. ठीक है, सैफ खान को क्या बना दिया जाता है? गवर्नर बना दिया जाता है. तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि औरंगजेब ने किसको बिहार का गवर्नर बनाया था. चार ऑप्शन होंगे, आपको याद रखना है कि सैफ खान को औरंगजेब ने गवर्नर बनाया था. अजीमुश-शान वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ बिहार इन 1697. इन्हें कब बनाते हैं? 1697 में बना देते हैं. अजीमुश-शान गेव द परमिशन टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर ट्रेड इन बिहार आफ्टर डैट द इंग्लिश फैक्ट्री वॉज री इस्टेब्लिश इन 1703. अब अजीमुश-शान को तो बना दिया 1697 में. इन्होंने क्या करा? इन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये परमिशन दे दी, इजाज़त दे दी कि आप जो है बिहार में ट्रेड कर सकते हैं और आप अपनी फैक्ट्री दोबारा से इस्टेब्लिश कर सकते हैं 1703 में. और ये लास्ट गवर्नर थे, ठीक है, ये लास्ट गवर्नर थे औरंगज़ेब के टाइम पे. तो आपको इसे याद रखना है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगज़ेब. इन 1730 ड्यूरिंग द रूल ऑफ फारूक सियार Patna factory was closed, but in 1717 it again invited Britisher to trade in Bihar and Bengal in 1718. ठीक है, अब 1730 में क्या हुआ? फारूक सियार आए, उनके टाइम पे इस फैक्ट्री को क्लोज कर दिया गया. कौन सी फैक्ट्री को? पटना फैक्ट्री को बंद कर दिया गया. बट 1717 में दोबारा क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को बुलाया गया कि आप आ जाइए और बिहार और बंगाल में ट्रेड कर लीजिए. और फिर 1718 में इस फैक्ट्री को दोबारा खोल दिया गया. इन 1733 अलीवर्दी खां वॉज असाइंड द नैब नाजिम ऑफ बिहार. ठीक है, अब 1733 में क्या हुआ? अलीवर्दी खान को बोला गया कि आप जो है नाजिम बन जाएंगे, नैब नाजिम बन जाएंगे बिहार के. इन 1740 अलीवर्दी खान किल्ड सरफराज खान एंड टुक कंट्रोल ऑन बंगाल एंड बिहार. He got the confirmation from the emperor Mohammad Shah by paying huge amount. अब इन्हें कन्फर्मेशन मिल गया किससे? मोहम्मद शाह से. इन्हें क्या बोला जाता था? रंगीला भी बोला जाता था because of his luxurious lifestyle. तो इनसे क्या मिला? इनको परमिशन मिल गई कि अब जो है अलीवर्दी खान जो है कंट्रोल करेंगे बंगाल और बिहार के रीजन में आफ्टर किलिंग सरफराज खान. In 1750 Patna factory was closed due to the pressure of नवाब अलीवर्दी खान. ठीक है, नवाब अलीवर्दी खान की तरफ से प्रेशर आता है कि आप जो है इस फैक्ट्री को बंद कर दें. ठीक है, तो आप याद रखिएगा, एक क्वेश्चन ये पूछा गया है. इन 1750 पटना फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज क्लोज ड्यू टू द प्रेशर ऑफ नवाब. किस नवाब के प्रेशर में आके पटना फैक्ट्री को बंद कर दिया गया? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है. जैसे कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, नेम द लास्ट गवर्नर ऑफ बिहार ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगज़ेब. सो आंसर क्या होगा? प्रिंस अजीमुश-शान. तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखना है, क्योंकि बीपीएससी इज़ यू नो स्टिक टू डेट्स और ईयर के पास में जो है इनके क्वेश्चंस बहुत घूमते हैं. तो आपको ईयर के साथ याद रखना है. समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज़ ऑल दीज नेम्स. तो आप यही कर सकते हैं कि इन्हें बार बार लिखिए, बार बार वीडियोस को देखिए, ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें याद रहे. बिकॉज यू कांट इग्नोर बिहार स्पेशल पार्ट. ठीक है, ये हम सोचें कि अच्छा हमने बिहार का एग्ज़ाम देना और हमने बिहार को ही नहीं पढ़ेंगे तो आप कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे, राइट। देन बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला। अब देखिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था विद डेट। वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप यू ऑल विल आंसर दिस क्वेश्चन। सिराजुद्दौला वॉज नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान इन 1756। Robert Clive entered into a conspiracy with Mir Zafar, the commander-in-chief of Siraj-ud-Daulah, and defeated Nawab in the Battle of Plassey 1757. तो यह आपने पढ़ रखा है कि बैटल ऑफ प्लासी क्या था, ठीक है, किसके किसके बीच में हुआ था और बिहार में क्या होता है, बिहार में इसके क्या रेपरकशंस थे। तो आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी Mir Zafar was appointed as the governor of Bengal by Lord Clive in 1756. English had established many factories in Bihar and Patna and established their sole tradership rights for salt paper in 1758. ठीक है, तो ये क्या हुआ कि 1758 में इन्होंने जो सोल ट्रेडरशिप राइट थी सॉल्ट पेटर की, वो अपने कब्ज़े में ले ली थी। तो वो हमें पता है कि बैटल ऑफ प्लासी किसके किसके बीच में हुआ। उसका बिहार में क्या रिज़ल्ट आया, बिहार में यही रिज़ल्ट आया कि क्या हुआ, जो ट्रेडरशिप राइट थी सॉल्ट पेटर की वो किसके हाथ में आ गई, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गई। In 1760, the Britisher replaced Mir Zafar and appointed Mir Qasim as Nawab of Bengal. Mir Qasim shifted his capital from Murshidabad in Bengal to Munger. Very important question, ये आपसे पूछा जाएगा कि कौन से हम कह सकते हैं कौन से नवाब ने अपनी कैपिटल जो थी शिफ्ट कर दिया फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। तो आंसर वो क्या बन जाएगा, मीर कासिम। On 2nd September 1763, the Battle of Udvanala, the Britisher defeated Mir Qasim. ठीक है, तो ये एक छोटा सा बैटल हुआ जिसमें ब्रिटिशर्स ने डिफीट कर दिया मीर कासिम को, ये आपको याद रखना है। The Britishers captured the Marufa Ganj and Kalnarganj areas in Patna. ठीक है, तो दो एरिया थे जिसको ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था, मारूफ गंज एंड कलनरगंज। In 1760, सॉरी, फिर हम देखते हैं बैटल ऑफ बक्सर होता है। द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट ऑन 22 अक्टूबर 1764 बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय हेक्टर मुंड्रो एंड द कंबाइंड आर्मी ऑफ मुगल्स एंड शाह आलम II, मीर कासिम एंड सिराज शुजा-उद-दौला। ठीक है, और क्या होता है इसका रिजल्ट, वी ऑल नो कि कंपनी इस बैटल को जीत जाती है। The British East India Company under Lord Clive signed two separate treaties of Allahabad. दो ट्रीटी साइंड होती हैं, एक होती है शाह आलम II के साथ और एक होती है शुजा-उद-दौला के साथ जो नवाब ऑफ अवध थे। तो ये आपको याद रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, एक पोस्ट क्रिएट की, उस पोस्ट का क्या नाम था, डेप्यूटी गवर्नर, जो एडमिनिस्टर करेगा बिहार को। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव अपॉइंटेड सीतब राय एज डेप्यूटी दीवान ऑफ बिहार। पहला क्या है कि पहले तो इन्होंने एक पोस्ट को क्रिएट करा जो थी डेप्यूटी गवर्नर, जो पूरे बिहार का एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, और रॉबर्ट क्लाइव ने सीतब राय को डेप्यूटी दीवान बनाया बिहार का। जब सीतब राय की डेथ हो जाती है सितंबर 1773 में, तब वॉरेन हास्टिंग अपॉइंट करते हैं सीतब राय के बेटे कल्याण सिंह को एज दीवान। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिहार वॉज लेफ्ट इन चार्ज ऑफ द काउंसिल। जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन था बिहार का उसको कौन देखेगा, उसको काउंसिल देखेगा। तो आपको ये याद रखना है, रॉबर्ट क्लाइव ने जो है सीतब राय को दीवान बनाया। फिर सीतब राय की जब डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे कल्याण सिंह को वॉरेन हास्टिंग दीवान बनाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।